सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय दादी माँ को लेकर उपस्थित हूँ। इसके रचनाकार शिव प्रसाद सिंह जी हैं और इस पाठ में लेखक और उसकी दादी माँ के घनिष्ठ आत्मीय संबंध की बात कही गई है। लेखक को बचपन से ही अपने दादी माँ से विशेष लगाव था और लेखक ने अपनी दादी माँ की विशेषताओं को याद किया है। कहानी की लाइनें हैं, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ने पर बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान शीतल स्वच्छ किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। यानी लेखक कहता है कि हालांकि मैंने कई मौसम देख लिए हैं, यानी कि मेरी उम्र काफ़ी अधिक हो गई है, फिर भी मैं रह रहकर विचलित हो जाता हूँ। मेरा मन अनमना सा हो जाता है और इस चीज़ को लेकर मेरे मित्र मुझे चढ़ाते भी हैं। वो मुझे छुट्टियों की सूचना देते हैं खुश करने के लिए, लेकिन फिर मेरे पीठ पीछे मुझे विपरीत परिस्थितियों से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। और मुझे ये सारी बातें पता होती हैं। मैं सोचता हूँ कि अब मैं इन बातों को कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर अचानक ही मेरी आंखों के सामने मेरी दादी माँ की छाया धुंधली सी दिखने लगती है। आगे की पंक्तियाँ हैं, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी ही लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साग की अधगली घासें, गेहूँ और बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक अपने बचपन और अपने गांव को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुवार के दिन आ गए हैं। कुवार यानी कि अक्टूबर का महीना, और दूर सिवान से बहकर आए हुए यानी गांव की सीमा से बहकर आए हुए तरह तरह के साग और जंगली पौधों की जड़ें, जो कि सूरज के पानी से एकदम जो तालाब का पानी खौल रहा है उसमें सड़कर एक अजीब सी गंध फैला रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। अषाढ़ में आम और जामुन ना मिले कोई बात नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे तालाब में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक के कहना है कि हर मौसम की अपनी कुछ विशेषताएँ होती हैं। तो जैसे अषाढ़ के मौसम में अगर आम खाने को ना मिले, अगहन में अगर चूड़ा ना मिले, चैत में अगर लाई के साथ बादाम की पट्टी ना मिले तो लेखक को उतना अफसोस नहीं होता, जितना कि कवार के दिनों में अगर इस तालाब में जो कि गंध से भरा हुआ है लेखक को कूदने को ना मिले तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क रहा था यानी भीतर ही भीतर वो एकदम परेशान हो रहे थे। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक का कहना है कि वो इस तालाब में अभी एक ही दो दिन कूद कर मजा उठा पाए थे कि तब तक उनकी तबीयत खराब हो गई। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया रजाई पर रजाई और उतरा 12 बजे के बाद। लेखक के कहना है कि उन्हें हल्का हल्का बीमार होना अच्छा लगता है। इसमें जो साबूदाना और खिचड़ी खाने को मिलता है, नींबू पानी पीने को मिलता है, वो सब लेखक को पसंद है। लेकिन इस बार वाली बीमारी हल्की फुल्की नहीं थी। लेखक को ज्वर यानी कि बुखार इतनी तेज़ी से चढ़ा
कि उनके ऊपर कई रज़ाइयाँ डाली गई, ठंड लग रही थी उन्हें, कांप रहे थे वो बुखार के कारण, और ये बुखार रात को 12 बजे जाकर उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, क्योंकि रात को बुखार उतर गया तो दिन में लेखक हल्की सी चादर ओढ़कर सोए हुए थे। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी ही धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्या टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए। लेखक दादी माँ को याद करते हुए कहते हैं कि दादी माँ उसी तालाब के पानी से नहा कर आई थीं और उन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनके बालों से, जो कि सफ़ेद थे, पानी की बूंदें टपक रही थीं। दादी माँ ने आते ही लेखक के पेट छुए, सर छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। और जैसा कि दादी माँ, हर गांव में एक ना एक मंदिर होता है, तो उस मंदिर के चबूतरे की मिट्टी लाई थी, और दादी माँ का विश्वास था कि इस मिट्टी से बड़ा रोग भी भाग जाता है, तो वो मिट्टी उन्होंने लेखक के माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 200 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक की दादी माँ लेखक के सिर पर दालचीनी का लेप लगा रही थी जिससे उनको ठंडक पहुँचे, और बार बार वो छू छू कर उनका माथा ये देख रही थी कि बुखार अभी कितना है, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे से बाहर आकर से तो नहीं मिल रहा, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक की दादी माँ लेखक के खाने पीने का भी बहुत ध्यान रख रही थी। उन्होंने देखा कि लेखक के पीने का जो पानी रखा गया है उसे पीपल की छाल से छौंक लगाई गई है या नहीं, लेखक के लिए जो खिचड़ी बन रही है उसमें मूंग की दाल मिली है या नहीं, है ना, बाहर से कोई सीधे बिना हाथ पैर धोए लेखक के पास आकर उनसे मिल तो नहीं रहा है। इस तरह के हजारों सवाल वो लेखक के घर वालों से करके उन्हें दिन रात परेशान करती रहती थी। लेकिन इस परेशान करने में दादी माँ का लेखक के लिए जो चिंता, जो प्यार छुपा था वो झलकता है। तो इसके आगे के हिस्से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तब तक इस पढ़े हुए हिस्से का कठिन शब्द हम देखते हैं। तो पहला शब्द है प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति, शीतल यानी ठंडी, सिवान गांव की सीमा, जलाशय तालाब, ज्वर बुखार, स्नेह यानी प्रेम, सद्य यानी तुरंत या ताज़ा। तो आपका गृह कार्य होगा कि आप इन कठिन शब्दों को याद करें और मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस अंश को एक बार फिर से पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अगली कक्षा में आपसे फिर भेंट होगी। धन्यवाद।